हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस कंपैरिजन वीडियो में मैं आपको लोअर सीसी मोटरसाइकिल और हायर सीसी मोटरसाइकिल को 10 अलग अलग पॉइंट्स पे कंपेयर करके इनके बीच के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे ही हम हाई सीसी के महंगे मोटरसाइकिल्स के बारे में सुनते हैं तो हमें तुरंत ध्यान में आता है बेहतर स्पीड, बेहतर पावर, बेहतर टॉर्क, बेहतर लुक, बेहतर डिजाइन, मीन्स एवरीथिंग परफेक्ट। और जैसे ही हम लोग कम सीसी के सस्ते मोटरसाइकिल्स के बारे में सुनते हैं तो हमें फील होता है कि हमें हर एक पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं कि कितने सीसी का मोटरसाइकिल आपके लिए बेहतर रहेगा, ये पूरी तरह से आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है, और इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कमाल के ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। रिटेलर्स एंड डीलर्स भाइयों, मैं आपके लिए लाया हूं एक एक्सक्लूसिव ऐप जिसका नाम है लॉक द डील। ये ऐप एनर्जी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अमेज़न है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप अपने फोन नंबर, अपना एरिया का पिन कोड, अपना नाम और अपनी कंपनी के नाम के साथ यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि इन्वर्टर, बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। सामान आपके डोर स्टेप पे वो भी डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। यहां पे आपको सभी ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि एनर्जी के ब्रांड्स की बात करें तो यहां पे आपको एमेरॉन, अमेज, एक्साइड, लिव गार्ड, लिव फास्ट, ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, उकाया और भी अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो सारे बड़े ब्रांड्स हैवेल्स, उषा, बजाज, क्रॉम्पटन, ओरिएंट और भी बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट यहां पर आपको मिल जाएंगे। यहां पर हर हफ्ते डील्स भी होता है। इस ऐप में एक साथ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है आप उतना भी ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे अगर आप बल्क में ऑर्डर करते हो तो आपको लॉक द डील वारंटी, क्रेडिट फैसिलिटी और 48 आवर्स में डिलीवरी भी मिल जाएगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आपको सीधा यहां पे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो खोलिए आप अपनी दुकान लॉक द डील के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अभी डाउनलोड जरूर करें। फ्रेंड्स, इंडियन रोड्स में आपको 99% जो बाइक्स है वो 400 सीसी से कम के दिखाई देंगे। तो इस कंपैरिजन वीडियो में लोअर सीसी का मतलब हो गया 200 सीसी से कम के बाइक्स, और हायर सीसी का मतलब हो गया 200 सीसी या फिर उससे ज्यादा के बाइक, अब चाहे 400 हो, 500 हो, 600 सीसी हो या उससे ज्यादा के बाइक्स हो। और कंपैरिजन का जो पहला पॉइंट है वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शौक के लिए बहुत ही ज्यादा महंगी और हायर सीसी के बाइक्स तो ले लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाइक खरीदते समय उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लगने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी हायर सीसी के बाइक्स होते हैं उनका मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, पार्ट्स का कॉस्ट और जो एसेसरीज का कॉस्ट है वो लोअर सीसी मोटरसाइकिल से ज्यादा होता है। साथ ही ज्यादा सीसी के जो मोटरसाइकिल्स होते हैं उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस का भी जरूरत होता है, और आप उसमें मेंटेनेंस को डिले नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो पावर, टॉर्क, एफिशिएंसी सब में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। साथ ही आप इस बात का भी ख्याल रखिएगा, अगर आप हायर सीसी बाइक्स को चुन रहे हैं तो आप देख ले कि उस बाइक के जो पार्ट्स है वो आपके एरिया में अवेलेबल है कि नहीं है। जस्ट थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हायर सीसी के लिए जाइए। वैसे लोअर सीसी का अगर बात करें आप 125 सीसी या 150 सीसी तक के बाइक्स की, तो वहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है, मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट भी कम होता है। साथ ही मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप जिस भी बाइक को खरीदने वाले हो, लोअर सीसी या हायर सीसी, उसका जो सर्विस इंटरवल है यानी कि कितनी किलोमीटर गाड़ी को चलाने के बाद आपको सर्विसिंग कराना है, आप इसकी भी जांच जरूर से कर ले। फ्रेंड्स, इंजन के सीसी का क्या मतलब होता है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कंपैरिजन का जो अगला पॉइंट है वो है पावर एंड टॉर्क। मैं आपको बता दूं कि जितने ज्यादा सीसी के मोटरसाइकिल्स के लिए आपको जाओगे तो आपको उतना ही उस मोटरसाइकिल से पावर भी मिलेगा, टॉर्क भी मिलेगा और टॉप स्पीड भी मिलेगा। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आप अपने बाइक को हाई स्पीड में चलाना चाहते हो, रेसिंग के लिए चलाना चाहते हो, टॉप स्पीड ज्यादा चाहते हो, तो फिर आपको हायर सीसी मोटरसाइकिल्स के लिए जाना चाहिए। लोअर सीसी मोटरसाइकिल का टॉप स्पीड और जो पावर है वो कम होता है। अगला जो पॉइंट है वो है फ्यूल एफिशिएंसी, आसान लफ्जों में कहें तो माइलेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हो। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप हायर सीसी के लिए जाते हो तो भले ही आपको पावर, टॉर्क वगैरह तो ज्यादा मिलता है लेकिन फ्यूल की एफिशिएंसी यानी कि माइलेज कम होते जाता है, और कम सीसी के मोटरसाइकिल से आपको अक्सर बेहतर माइलेज स्टार्टिंग में भी देखने को मिलेगा, और अगर इंजन बहुत ज्यादा पुराना हो जाए तब भी आपको बेहतर माइलेज देखने को मिलता है, और माइलेज को मेंटेन कर पाना भी कम सीसी के बाइक्स वगैरह में आसान होता है। हायर सीसी में माइलेज कम भी मिलता है और मेंटेन कर पाना माइलेज को भी मुश्किल हो जाता है।
अगला पॉइंट है ब्रेकिंग एफिशिएंसी। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी बाइक को ज़्यादा तेजी से चलाने वाले हो, तो इसमें आपको जो ज़्यादा सीसी के मोटरसाइकिल है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि वहाँ पे अक्सर आज के टाइम पे डुअल चैनल एबीएस दिया जाता है, डिस्क ब्रेक वगैरह को दिया जाता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो हाई सीसी वाले मोटरसाइकिल्स का ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल स्पीड में चलाना है, भले ही ड्रम ब्रेक ही क्यों नहीं दिया गया हो, लोअर सीसी मोटरसाइकिल का भी ब्रेकिंग नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल स्पीड पे बेहतर होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप ये देख ले कि आप किस स्पीड में अपनी बाइक को चलाने वाले हो। अगला पॉइंट है राइडिंग कंडीशन, और इस बात को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी बाइक को मैक्सिमम टाइम पर कहाँ पे चलाने वाले हो। सिटी में, हाईवे में, ट्रैफिक वाले भीड़भाड़ वाले इलाके में, या फिर आपका जो रोड का कंडीशन है वो कैसा है, मिट्टी वाला रोड है या अच्छा बेहतर रोड है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आपको उस अकॉर्डिंग ही सीसी के मोटरसाइकिल को चुनना चाहिए। क्योंकि अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाके में मैक्सिमम टाइम में आप अपनी बाइक को चलाने वाले हो और वहाँ पर आप अगर हायर सीसी के मोटरसाइकिल्स के लिए जाओगे, तो आपको जो माइलेज है, जो फ्यूल की एफिशिएंसी है, वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। साथ ही आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो अगर मनी का इशू नहीं है, पैसे का इशू नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी, आप 600, 800, 1000 सीसी का बाइक चुन लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक बजट बाइक को चुने और जहाँ पर आपको बेहतर माइलेज भी मिले, तो आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप एक लोअर सीसी के मोटरसाइकिल्स को ही चुने। अगला जो पॉइंट है वो है राइडिंग स्किल। ये खास करके उन लोगों के लिए है जो कि नए नए बाइक को चलाना सीख रहे हैं और बाइक को बहुत बेहतर तरीके से चलाना नहीं जानते हैं। अब कोई भी राइडिंग कंडीशन हो, उनको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि शुरुआत वो कम सीसी वाले मोटरसाइकिल से ही चुने। क्योंकि अक्सर क्या होता है, अगर आप शुरू में ही 350-400 सीसी के बाइक को चुन लेंगे और बहुत बेहतर तरीके से चलाने नहीं जानते हैं, तो उन बाइक्स का क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो बहुत तेज होता है, जो टॉप स्पीड होता है वो भी बहुत ज़्यादा तेज होता है, और कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन में, पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन में बाइक को, उन बाइक्स को, हायर सीसी के बाइक्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो राइडिंग स्किल अगर आपका बहुत बेहतर नहीं है और आप नई बाइक को खरीदने की सोच रहे हो, चाहे सेकंड हैंड बाइक ही क्यों ना हो, तो आपको शुरुआत लोअर सीसी मोटरसाइकिल्स के साथ ही करनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है वेट। जी हां, बाइक का वेट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है और ये पूरी तरह से मैटर करता है कि आप कहां पर बाइक को चलाने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी बाइक को चलाने वाले हैं, तो आप वेट को भी जरूर कंसीडर करें। और बेस्ट तरीका यही है कि आप जिस भी बाइक को खरीदने की सोच रहे हो, आप उस बाइक का एक टेस्ट राइड लें और जहां पर आप चलाने वाले हो मैक्सिमम टाइम में, खासकर भीड़ वाले इलाके में, तो वहां पर आप उस बाइक को चला के देखें, आगे पीछे करके देखें, जो बाइक का वेट है उसके अकॉर्डिंग कितनी बेहतर तरीके से उस बाइक को हैंडल कर पा रहे हो। तो वेट को भी आप जरूर से कंसीडर कर ले। अगला जो पॉइंट है वो है सेफ्टी स्टैंडर्ड। जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोअर सीसी मोटरसाइकिल में सेफ्टी ज्यादा बेहतर होता है। ज्यादा बेहतर इसलिए होता है क्योंकि लोअर सीसी मोटरसाइकिल को अक्सर लोग एक मॉडरेट स्पीड पे ही चलाते हैं, लेकिन जैसे ही ज्यादा सीसी का मोटरसाइकिल मिल जाए, ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा पावर, ज्यादा स्पीड मिल जाए, तो अक्सर लोग गलती करते हैं। तो यहां पर सेफ्टी की जो बात हो रही है वो बेसिकली सेफ्टी गियर्स की बात हो रही है। तो आपको हमेशा लोअर सीसी हो चाहे हायर सीसी हो, जो सेफ्टी गियर्स है, चाहे हेलमेट है, चाहे ग्लव्स है, चाहे शूज है, इन्हें पहन के ही अपने मोटरसाइकिल को चलाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है बजट। जी हां, बजट पे बहुत कुछ बात आके रुक जाता है। तो अगर आपका बजट टाइट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा लोअर सीसी के साथ ही जाए, क्योंकि एक बार पैसा लगा के, चाहे दोस्तों से लेके, घर वालों से लेके, आप हायर सीसी का बाइक को तो ले लोगे, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू बजट ही आपको अपना मोटरसाइकिल को चुनना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए, आपके बाइक के लिए, आपके बाइक के इंजन के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और मेनली जो आखिरी पॉइंट है वो है BS4 इंजन वर्सेस BS6 इंजन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है। इस पॉइंट को आप उस वीडियो से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि चाहे लोअर सीसी हो, चाहे हायर सीसी हो, BS4 इंजन का जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो कम होता है, और BS6 इंजन का कम सीसी भी हो, 125 सीसी भी हो, तो भी कॉस्ट ज़्यादा भाग जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर से कंसीडर कर ले। तो फ्रेंड्स, ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हो, तो आप इन पॉइंट्स को जरूर से कंसीडर करें। वैसे सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं, और भी इससे रिलेटेड मैंने वीडियोज बनाया है, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच में क्या डिफरेंस है, एलॉय व्हील और स्पोक व्हील में कौन बेहतर है, कार्ब्यूरेटर और फ्यूल इंजेक्टर में कौन बेहतर है, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में कौन बेहतर है, मोनोशॉकर और
डुअल शॉकर के बीच में कौन बेहतर है, ड्राई क्लच और वेट क्लच के बीच में क्या डिफरेंस है, ड्राई बैटरी और वेट बैटरी के बीच में क्या डिफरेंस है, यूएसडी फोर्क और टेलीस्कोपिक फोर्क में कौन बेहतर है, मोटरसाइकिल और स्कूटर में से आपको क्या चुनना चाहिए, लाइटर बाइक और हेवियर बाइक के बीच में क्या डिफरेंस है, सिंगल चैनल एबीएस और डुअल चैनल एबीएस में कौन बेहतर होता है। सारे ही वीडियोज इंपॉर्टेंट है, सबका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।